और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रजेश पाठक को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। ब्रजेश पाठक को 23-24 सितंबर को केरल में होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। पाठक कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुराग, इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी न्योता मिल गया है? जी बिल्कुल दीपाली, ब्रजेश पाठक के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि बीएसपी से वैसे तो कई नेता आए हैं। अभी उनसे पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो भी शामिल हुए थे, लेकिन जिस तरीके से ब्रजेश पाठक को एक तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, इसके अलावा जो 23-24 को केरल में प्रोग्राम होना है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक है उसमें भी उनको न्योता दिया गया है, तो अपने आप में बड़ी बात है। आमतौर पर जो भी नेता दूसरी पार्टी छोड़कर आते हैं तो उनको इतनी अहमियत पार्टी में दी नहीं जाती, लेकिन अब जिस तरीके से ब्रजेश पाठक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है तो कहीं ना कहीं यूपी के जो ब्राह्मण हैं उनमें एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो बीजेपी है वो सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलती है, और जिस तरीके से ब्रजेश को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है तो उससे कम से कम एक ब्राह्मण जो वोट बैंक है, यूपी का बड़ा वोट बैंक है, उसको मैसेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश है। जी शुक्रिया अनुराग ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के उरी में रविवार सुबह सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद चलाया गया सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। डीजी एमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के मुताबिक सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। आतंकियों के पास से हथियार और सामान भी बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास से 39 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 रेडियो सेट, 2 GPS बरामद किए गए हैं। 4 AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। वतन पर वो फिदा हो गए, हम सलामत रहे इसलिए अपना कुछ बलिदान कर गए। जम्मू कश्मीर के उरी में 18 जवान शहीद हो गए। जवानों की शहादत को देश सलाम कर रहा है। शहीदों के घर में मातम की माहौल है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें, और हम शहीदों को नमन भी कर रहे हैं। उरी आतंकी हमले में यूपी के संत कबीर नगर के घूरापाली गांव के रहने वाले सिपाही गणेश शंकर शहीद हो गए। शहीद के घर में मातम पसरा हुआ है। गणेश अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर चले गए। वहीं यूपी के जौनपुर के भकुरा गांव में आंसुओं का सैलाब बह रहा है। यहां रहने वाले सिपाही राजेश कुमार भी उरी हमले में शहीद हो गए। बिहार के गया के रहने वाले सुनील कुमार विद्यार्थी के घर पे भी मातम है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। शहीद सुनील के 4 बच्चे हैं। 40 साल के शहीद सुनील 1998 में सेना में भर्ती हुए थे। बिहार के भोजपुर के रहने वाले जवान अशोक सिंह भी देश के लिए कुर्बान हो गए। अशोक के परिवार का शहादत से पुराना नाता है। अशोक के बड़े भाई भी 30 साल पहले शहीद हो गए थे। वहीं बिहार के कैमूर के बड्डा गांव के रहने वाले राकेश भी उरी हमले में शहीद हो गए। शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। 2012 में राकेश की शादी हुई थी। पत्नी के अलावा वो अपने 2 साल के बेटे को भी पीछे छोड़ गए हैं। झारखंड के खूंटी जिले के मेराल गांव में शहीद जबरा मुंडा के परिजनों का भी बुरा हाल है। जबरा की शहादत की घर मिलने के बाद से परिवार का बुरा हाल है। देशभक्ति का जज्बा लिए जबरा मुंडा 2005 में सेना में शामिल हुए थे। उरी आतंकी हमले में महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले जवान संदीप सोमनाथ भी शहीद हो गए। 2014 में संदीप सेना में भर्ती हुए थे। महीना भर पहले संदीप की शादी की बात शुरू हुई। मेहंदी लगने से पहले ही संदीप देश पर कुर्बान हो गया। उरी हमले में जम्मू कश्मीर के साबा के रहने वाले रविपाल भी शहीद हो गए। शहीद के 80 साल की मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू में वकीलों ने विरोध मार्च निकाला। बड़ी संख्या में वकील सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। कई चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। उरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पाक पीएम नवाज शरीफ का पुतला भी फूंका। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से वाराणसी में भी उरी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की गई।
जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के बाद से बैठकों का दौर चल रहा है। आज पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ समेत बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के पक्ष में है। एक बार फिर देश का सीना छलनी हुआ है। एक बार फिर नफरत की गोलियां और दहशत का बारूद उड़ा है। एक बार फिर हमने अपने जवानों को खोया है। एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के उरी में रविवार को हुए आतंकी हमले के बाद से बैठकों का दौर जारी है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के फौरन बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। सोमवार को पीएम आवास 7RCR पर लंबी बैठक हुई। पीएम मोदी ने सुरक्षा की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग के साथ साथ गृह और रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक पूरी हमले से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। किसी तरह की चूक अगर हुई है तो कहां हुई है, इस बात की पड़ताल होगी। इंटेलिजेंस इनपुट को और मजबूत किया जाएगा। सीमा पर चौकसी और बढ़ाई जाएगी ताकि आगे ऐसे हमले न हो। वहीं सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने और आतंकी देश घोषित करने की रणनीति बनाई जा रही है। छब्बीस सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मुद्दे को उठा सकती हैं। इस पूरी का जो हमला हुआ है, हमारे 17 लोगों की जो जाने गई है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बयानबाजी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देश को एकजुट होकर के इस कार्रवाई में जो भी होगा उसके लिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए जो करना है वो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उसमें बयानबाजी करेंगे तो ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि रविवार को उरी में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के नापाक हाथ होने के कई ठोस सबूत मिले। चारों आतंकी पाकिस्तानी थे। आतंकियों के पास से 4 AK-47, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। उनके पास से बरामद हथियार, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन पाकिस्तान के होने के ठोस सबूत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने उरी हमले को अंजाम दिया। बहरहाल दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ डिप्लोमेसी और रणनीति के जरिए भी आतंक की फसल बोने वालों को बेनकाब करने की जरूरत है। श्रीनगर से खालिद हुसैन और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।